सुना है कि अगर जो 950 का वाला पराठा खा ले कोई तीन, तो आप उन्हें जो बुलेट देते हैं, तो ये आपका ये लाइफ टाइम बुलेट वाला चैलेंज है या जस्ट? अब तो जैसे बुलेट का चैनल है, जैसे जैसे काम बढ़ता जाए आगे गाड़ी भी रख देंगे। अरे वाह, तो फ्रेंड्स अगर आपको गाड़ी जीतनी है तो आपको जो है सबसे बड़े वाले जो है रॉयल पराठा तीन खाने पड़ेंगे, और तीन खाने के बाद आपको ये यहाँ से गाड़ी में रवाना करेंगे। पहले तो बुलेट पे रवाना करें फिर गाड़ी पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको बात पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। तो और ये भी है कि जो 4 किलो जलेबी खाएगा उसको 11,000 रुपये इनाम देंगे। अरे वाह। फ्रेंड्स आज मैं आ गया हूँ रॉयल पराठा जंक्शन, और रॉयल पराठा जंक्शन जो है ये आपका दिल्ली बाईपास क्रॉसिंग पर है, और दिल्ली बाईपास क्रॉसिंग में अगर आप इधर से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके आपको सोनीपत मिलेगा, राइट साइड में उधर आप जाते हैं तो झज्जर है, और मेरे जस्ट बैक साइड में मतलब यहाँ पे ये आप जाते हैं तो सीधा है, ये रोहतक है। तो रोहतक और ये सोनीपत और जो है झज्जर के जो क्रॉसिंग पर है रॉयल पराठा जंक्शन, और ये रॉयल पराठा जंक्शन जो है अपनी दो बातों के लिए बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पे दिए जाने वाला गिफ्ट, जो आप जब तीन पराठे खा लेते हैं तो आपको रॉयल एनफील्ड जो है बुलेट दी जाती है, और यहाँ का पराठे और बड़े बड़े जलेबा के लिए। और यहाँ पे ये निशा मैं इंतज़ार कर रही हूँ पराठे और जलेबी होगा। हाँ पराठे जलेबी का ये है इनका पराठा जंक्शन, जहाँ पे आपको जो है ना एक वाइड वैरायटी ऑफ पराठा तो मिलेंगे साथ में जो है काफ़ी खुली जगह है। यहाँ से हम थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ये मेन काउंटर, और यहाँ पे जो है इन जो है पराठा जंक्शन के करता धरता मिस्टर धर्मेश दोहन जी हैं। तो मैं ये जानना चाहता था आपके यहाँ पे कितने तरह के पराठे होते हैं? हमारे यहाँ पर 50-52 तरह की वैरायटी के पराठे हैं। अच्छा, और आपका जो सबसे सस्ता पराठा है वो कितने का है? सबसे सस्ता तो 100 रुपये का आलू का जो पराठा है, सबसे महंगा 950 रुपये का ड्राई फ्रूट का। और मैंने सुना है कि अगर जो 950 का वाला पराठा खा ले कोई तीन, तो आप उन्हें जो बुलेट देते हैं, तो ये आपका ये लाइफ टाइम बुलेट वाला चैलेंज है या जस्ट? अब तो जैसे बुलेट का चैनल है, जैसे जैसे काम बढ़ता जाए आगे गाड़ी भी रख देंगे। अरे वाह, तो फ्रेंड्स अगर आपको गाड़ी जीतनी है तो आपको जो है सबसे बड़े वाले जो है रॉयल पराठा तीन खाने पड़ेंगे, और तीन खाने के बाद आपको ये यहाँ से गाड़ी में रवाना करेंगे। पहले तो बुलेट पे रवाना करें फिर गाड़ी पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको बात पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे ये बात और जानना चाह रहा था कि पराठे के अलावा आप और क्या क्या देते हैं यहाँ पे? पराठे के अलावा तो यहाँ जैसे गवाने की जो प्रसिद्ध जलेबी है बड़े वाले वही है मिलती है यहाँ पर, 250 ग्राम की है एक जलेबी का वजन 250 ग्राम है। तो फ्रेंड्स 250 ग्राम की जलेबी और एक पराठा खाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ना काफ़ी अभी कुछ दिनों पहले जो है ना एक स्मॉल साइज का पराठा ट्राई किया था, वो मेरे पूरा नहीं खाया गया था। तो और ये भी है कि जो 4 किलो जलेबी खाएगा उसको 11,000 रुपये इनाम देंगे। अरे वाह, एक और चैलेंज कि 11,000 रुपये मिलेंगे अगर आप 4 किलो जलेबी खा लेते हैं। तो एक जलेबी का जो है वेट है कम से कम 250 ग्राम। 250 ग्राम तो समझो फ्रेंड्स आप अगर रेडी हो 11,000 लेने के लिए तो 4 किलो खा के दिखानी पड़ेगी यहाँ के। तो अभी हम देखते हैं जलेबी कैसे प्रिपेयर होती है, तो चलें। तो फ्रेंड ये हैं भीम सिंह जी जो बड़ी बड़ी जलेबियाँ बनाते हैं मजबूत भीम जी, तो बनाइए आप सर। यह भीम भाई जो रॉयल पराठा जंक्शन पर बहुत अच्छी बढ़िया जलेबी बनाते हैं, या पराठे के साथ हैं जो गोवाने की जो प्रसिद्ध जलेबी है जलेबी का जलेबा है उसका भी आप यहाँ पर सवाल ले सकते हैं। जैसे भीम जी ये जलेबी 250 ग्राम की जलेबी, यह जलेबी एक जलेबी 250 ग्राम की है, और ये देसी घी में बिल्कुल देसी घी में है, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, जाँच करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्योरिटी के साथ साथ जो है ना फ्रेशनेस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 250 ग्राम की कितनी ज़बरदस्त जलेबियाँ बन रही है। भीम सिंह जी जो है ये यहाँ के मेन जो है शेफ़ हैं जो ये बना रहे हैं, और ये देखिए साइज़ देखिए इनका, क्या बड़ी बड़ी जलेबियाँ का बंदा का पूरा फेस सूख जाए एक जलेबी के पीछे, वाह। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है जलेबी भी टेस्ट करने वाले हैं, जलेबी नहीं जलेबा भी टेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो जलेबी थी मतलब जलेबा जो था वो यहाँ से अंदर जा चुका है बनके, और ये देखिए यहाँ पे ना कोई यहाँ पे हमेशा इनवाइटेड रहते हैं आए रहते हैं, और ये बड़ा अच्छी बात है। और यहाँ पे अरे वाह ये देखिए फूडी निशा जो है तैयार हो गई है अपनी जलेबा के साथ जलेबा खाने के लिए। और फूडी निशा एक बार आप इसे उठा के दिखाइए कितनी भारी है। अरे बाप रे, ये तो आधे किलो के लगभग लगती है पूरी।
मतलब इतनी बड़ी जलेबी एक ही। तो अभी हमारा पराठा है जो ड्राई फ्रूट पराठा बन रहा है, तो मैं उसको और दिखा देता हूँ आपको, और फिर हम इसको करते हैं टेस्ट। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है किचन में भी, ये देखिए एकदम सब साफ़ सुथरा है, और किसी भी तरह की यहाँ पे कोई गंदगी है ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है मसाले रखे गए हैं पराठों के लिए, और आज अभी हमारा बनने वाला है ड्राई फ्रूट पराठा। तो देखिए कितना सारा भर भर के ड्राई फ्रूट ले लिया गया है यहाँ पे, और ये जो अभी बनेगा सबसे स्मॉलेस्ट पराठा बनेगा ड्राई फ्रूट का, क्योंकि जो मैंने सुना था कि जो सबसे बड़ा पराठा है 32 इंच का, वो कम से कम जो है 8 बंदे खा सकते हैं बैठ करके, और हम तो सिर्फ 2 ही हैं, तो हम तो उसी हिसाब से थोड़ा सा फ्रेंड्स देख करके लेंगे। और ये यहाँ के जो है पराठा शेफ है जो पराठा बनाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये बनना शुरू हो गया है ड्राई फ्रूट पराठा। इतने सारे जो है ड्राई फ्रूट लिए गए हैं, जिसमें कि आपका जो है किशमिश भी है, बादाम भी है, और काजू भी है। और ड्राई फ्रूट पराठे की जो है बेस जो है तैयार हुआ है पनीर से, और ऊपर डाल दिया गया ये देखिए भर भर के ड्राई फ्रूट। और फ्रेंड्स ये जो है 2010 से जो है पराठा बन रहा है, और यहाँ पे जो है 51 तरह के डिफरेंट पराठाज मिलते हैं, और 3 पराठे जो अगर कोई ड्राई फ्रूट वाले खा लेगा 1 घंटे के अंदर, तो उसको मिलेगी रॉयल एनफील्ड बुलेट। और फ्रेंड्स ये देखिए ये उसके ऊपर की लेयरिंग करी गई है, और ये सबसे छोटा पराठा है, ये सबसे छोटा पराठा है। और आप देख रहे होंगे ये जो हेड शेफ़ है यहाँ के मिस्टर विजय, जो ये पराठा बना रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ये जो है अपने साइज़ बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई मैदे की मिलावट नहीं है जी, प्योर आटे से बनता है। और ये फ्रेंड्स प्योर आटे का है ये पराठा, इसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं है जो शरीर में जाके नुकसान करे। अरे वाह बहुत बढ़िया, देसी मसालों के साथ, आयुर्वेदिक मसाले जी, देसी मसाले, देसी जो है ड्राई फ्रूट, और देसी बंदे बना रहे हैं ये पराठा, और देसी घी में बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो है 100% शुद्ध, अब ये जो है रेडी हो गया है, ये देखो कैमरे में भी नहीं आ रहा है अभी तो। और फ्रेंड्स देखते हैं अभी, यहाँ से उठा लिया गया है, और ये गया तवे पर, और ये गया तवे पर। तो फ्रेंड्स ये ना ये देख रहे होंगे आप 36 इंच का ये बड़ा सा तवा है, जिसके ऊपर 32 इंच का पराठा बनता है, और ये भी स्मॉल पराठा तैयार हो रहा है ड्राई फ्रूट वाला, वो भी हमारे लिए। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ये है 36 इंच का तवा, इतना बड़ा तवा है, और उस पर हमारा छोटा सा पराठा तैयार हो रहा है, जो कि अभी बस अभी सिकना शुरू हुआ है। तो अभी इसके ऊपर देसी घी की लेयरिंग होगी, अभी इसके ऊपर देसी घी की जो है ना, इसको देसी घी से जो है तर किया जाएगा और सेका जाएगा दोनों तरफ से, एंड देन उसके बाद इसके ऊपर अमूल बटर भी जाएगा, और साथ में ये देखिए, अरे वाह दिखने में ही जो है काफ़ी जो है क्रिस्पी और अच्छा लगने लगा है। अभी जी मन कर रहा है उठा के खा लो, बट अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक साइड से दिखा है, और इसकी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी। देखो फ्रेंड्स ये देसी घी में जो है ना ये पूरा डबो करके, ये देखो चारों तरफ, अरे वाह वाह मज़ेदार। और ये जो महक आ रही है ना यहाँ पे जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो महक आ रही है, बस मैं ये बता सकता हूँ कि क्या शानदार महक आ रही है पराठे सिकने की, देसी घी की, और वाह बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा पूरा तर बतर कर दिया गया है देसी घी में, वाह। ये देखिए फ्रेंड्स कितना जो है फिल्ड विद ड्राई फ्रूट्स एंड पनीर है, ड्राई फ्रूट और पनीर से भरा हुआ है एकदम। और अभी ये सिकाई हो रही है इसकी, इसको अच्छे से फ्राई किया जा रहा है देसी घी में। ये जो है पराठे की जो है अभी इसको स्लाइसेस में जो स्लाइसिंग की जा रही है पराठे की, और ये 16 इंच का पराठा है जो सबसे छोटा है। और ये देखिए स्लाइस होते होते देखिए पनीर और ड्राई फ्रूट जो है उसमें से निकल के भाग रहे हैं। चित्ता भी जल्दी करता है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है पराठे का फ्लावर बनाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है यहाँ का काफ़ी ही यूनिक है पराठे को सर्व करने का। और ये देखिए अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट भरे हुए हैं, पनीर भरा हुआ है, रेजन्स किशमिश वगैरह सब भरे हुए हैं। और ये देखिए ये दिखने में ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ये ऊपर से ये वाइट बटर है,
जो बीच में भर के रखा गया है, ये देखिए, अरे वाह, तो मतलब बहुत जो है टेस्टी यम्मी लग रहा है अभी। और साथ में मिलता है यहाँ पे दही का रायता और साथ में हरी चटनी। तो फ्रेंड्स मेरे को तो देख के बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, और अचार साथ में। तो अभी जो है ना हम इसका टेस्ट रिव्यू करेंगे, साथ में एक जलेबा है गोहाने का जलेबा, साथ में वो भी हम टेस्ट रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो आज हमारे पास जलेबा देसी घी का 250 ग्राम वाला जलेबा जो गोहाना से है, जो गोहाना और यहाँ के जो हलवाई है जो इधर बनाते हैं उनका नाम है भीम, तो उन्होंने भीम जलेबी बनाई है। इतनी बड़ी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भीम जी ने जलेबी बनाई है। राहुल तो छुप ही गए, इतना मस्त लग रहा है। पूरी प्लेट में ये एक ही जलेबा आ गया है, हमें मतलब इस प्लेट में और जलेबी नहीं कर सकते। जलेबी बोल के मैं इस जलेबी की इंसर्ट कर रही हूँ, इसका नाम ही जलेबा है, बहुत बड़ा। और ये 250 ग्राम का है, देसी घी में बना हुआ। अच्छा, फुल ऑफ चाशनी, मतलब चाशनी इसमें भर भर के है, मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतने में तो हम लोग फुल 500 ग्राम जलेबी ले आते हैं, जितना ही पूरा परिवार भर के खा लेते हैं। हाँ, मतलब एक जलेबा ले जाओ और पूरी फैमिली भर के आराम से खा सकती है, आपको और जलेबी की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये है 16 इंचेस का जो है ड्राई फ्रूट पराठा, और ये जो है थाली कुछ जो है 18 इंच की थाली है, प्लेट प्लेटर है, और इसमें हमारे को जो है दही का रायता मिला है, साथ में हरी चटनी और अचार, और साथ और एक चीज़ का मूल्य सारा वाइट बटर है। इतना बड़ा पराठा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पराठे को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड ये देखें, ये इतना सारा जो है बटर, वाइट बटर लगा के, और पनीर और ड्राई फ्रूट्स के साथ मेरी बाइटी ड्राई फ्रूट्स तो आए हैं, साथ में वाइट बटर और किशमिश भी है, तो मज़ा आ रहा है तो खा करके। मतलब ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं आपके, काजू, किशमिश, बादाम, सब इसमें भर भर के उन्होंने डाले होंगे, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए कितना पनीर उन्होंने भर भर के इसमें घेरा हुआ है, प्लस ड्राई फ्रूट्स बादाम भी यहाँ पे एक लगा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इस पराठे में, सेहत के साथ साथ आपके पेट का भी पूरा ख्याल रखा गया है, आपकी पूरी फैमिली बैठ के ये पराठा खा सकती है। तो फिलहाल तो अभी राहुल लोग नहीं है, देखते हैं हम लोग ये कितना खा पाते हैं। हम लोग मैंने ना चैलेंज दिया था निशा को कि ये जो है 32 इंच का जो है इंडिया का सबसे बड़ा पराठा खा के दिखाए, बट ये थोड़ा फूडी थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, हमने 16 इंच का मंगा लिया, उससे आधा नहीं, बट ये तो टेस्टी है, मुझे लगता है खा जाऊँगी। हाँ, तो अभी ये 16 इंच का जो पराठा है निशा खाने वाली है। और वैसे कौन कौन मेरी साइड है, क्या लगता है आप लोगों को, मैं पराठा खा जाऊँगी या नहीं खाऊँगी, मतलब वाइट कलर के साथ? तो फ्रेंड ये देख रहे हैं, ये फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड पनीर जो है ना हर बाइट में आ रहा है, और मज़ेदार लग रहा है खाने में, क्योंकि इसमें जो स्पेशल मसाले हैं जो इन्हीं के हैं, यहाँ पे बनते हैं और इन्होंने खुद ही डाले हैं, और वो तो सीक्रेट है। मतलब चटपटे के साथ मीठे का टेस्ट आ रहा है बीच बीच में, आपको किशमिश आपके मुँह में आती है तो अलग सा ही लगता है, चटपटा प्लस मीठा। जैनवन राय आपने सुन ली, निशा कह रही है वाकई में पराठा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी पराठे को यहाँ पे टेस्ट करना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, रॉयल पराठा जंक्शन में, रोहतक दिल्ली बाईपास मोड़ पर, और ये यहीं पे जो है ना ये एम्बियंस मिलेगा आपको, और खाने में मज़ेदार है, और मेरी तरफ से टोटल 5 out of 5 यहाँ की सर्विस, यहाँ के पराठे के टेस्ट को, और प्लस यहाँ का जलेबा तो भूलिए, जलेबा हम पराठे के बाद लेंगे, पराठे के बाद टेस्ट करेंगे। फ्रेंड मैंने ना पराठा भी दही के साथ टेस्ट किया था, तो इसका रायता है ये एक्चुअली, और रायते में भी आपको टमाटर और खीरा और हरी मिर्च मिलेगी जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल है, और मैं भी हरी चटनी के साथ टेस्ट करने वाला हूँ ये पराठा। मैं भी हरी चटनी के साथ टेस्ट करने वाली हूँ। और ये जो हरी चटनी है वो यहीं पर ही बनाई जाती है, और ये पुदीना एकदम फ्रेश है, पुदीना और धनिया की चटनी है, और काफ़ी स्पाइसी है, बट मज़ा आ रहा है चटनी के साथ, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत ही अलग यूनिक फ्लेवर आ रहा है चटनी के साथ खाने में, और शानदार एकदम, शानदार, मज़ेदार, लज्जतदार, जो भी बोला जाए वो। तो फ्रेंड ये देखिए, ये है
250 ग्राम का जलेबा। ये देखिए निशा का जो है पूरा चेहरा टूट गया और मेरा भी टूट गया है, तो अभी बारी है इसको खाने की टेस्ट करने की। तो अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता फ्रेंड्स, ये हमने ना इतना सारा सब जो है पराठा खाने के बावजूद भी मतलब मुँह छुपा लो अपना, ये देखिए इतना सारा बच गया है, करीब करीब 3 स्लाइसेस प्लस एक और स्लाइस भी है वो, मतलब हाफ बच गया है। और 16 इंच का पराठा था ये, जो कि दो बंदों ने खाया है, दो बंदों ने पेट भर के खाया है, पेट भर के खा चुके हैं जो है ये। और उसके बावजूद ये 4 स्लाइस करीब करीब बच गई है। और निशा ने जो स्किटिंग करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो अगर आप नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। देखना चाहते हो तो ये देखो, ये इतने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये निकाल करके मेरे को पकड़ा दिए थे कि आप खाओगे। तो ये जितनी मेरी मोटी उंगली है ना, ये बीच वाली करीब करीब इतनी मोटी, तो इसकी थिकनेस है जलेबा की। और मेरी उंगली से तो बहुत ही ज़्यादा मोटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मतलब भरा हुआ है एकदम अंदर तक, देसी घी और चाशनी से। रसगुल्ला भेद है, रसगुल्ला भेद है भैया, रसगुल्ला भेद है। मज़ेदार है, सिंपली सुपर। मतलब अगर ये जलेबा आपके मुँह में है तो आप मुँह नहीं खोल सकते, इतना टेस्टी, आप खाते जाओगे जैसे राहुल एंजॉय करते हैं। अरे कुछ बोल लो भाई, ऑडियंस आपको देख रही है। खाने में ना मतलब ऊपर जो इसकी कोटिंग वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिस्पी है, अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्ट है और रस से भरा हुआ है, और हर बाइट में इतना सारा देसी घी और रस आ रहा है, ये वंडरफुल, मज़ा आ रहा है। पराठा जलेबा का थम्स अप है मेरी तरफ से, थम्स अप है। और 5 out of 5 यहाँ की सर्विस को, यहाँ के पराठा को, यहाँ के जलेबा को, हर बाइट में आनंद की प्राप्ति हो रही है। इतना टेस्टी है, परम सुख की प्राप्ति कर रही है लड़की, प्राप्ति हो रही है हर बाइट में मुझे, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा बढ़िया है जी, वाह मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा जलेबा खाने के बाद और ये इतना बड़ा पराठा खाने के बाद मैं तो थक गई तो खाते पराठे में जो है ना, हमने बस 3 स्लाइसेस छोड़ दिया था और जलेबा में हमने सिर्फ अभी तक ये इतना सा ही छोड़ा है, जो कि निशा की तरफ से छूटा है। नहीं, मेरी तरफ से नहीं छूटा, राहुल की तरफ से छूटा है। समझ जाओ फ्रेंड, समझ जाओ। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे आना हमारा वर्थ इट रहा, और यहाँ पे आने के बाद हमारे को दो चीज़ों का बहुत अच्छा लगा, एक तो यहाँ की सर्विस और दूसरा यहाँ का टेस्ट। तो अगर आपको सर्विस और टेस्ट दोनों जो है इंजॉय करना है यहाँ पे आके, तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और ये एम्बियंस जो है ना, यहाँ का जो माहौल है यहीं पे ही अच्छा लगता है। आप ये जो है पराठा रोहतक में और आसपास में ऑर्डर करा सकते हैं, बट दिल्ली तक नहीं होगा। और यहाँ पर बैठ के खाने का जो मज़ा है वो बहुत आएगा आपको। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि निशा जो है धीरे धीरे असली पूरी बनती जा रही है, तो मतलब बन चुकी हूँ मैं थम्स अप। और आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी जो है निशा और मेरी और निशा की बकबक कितनी पसंद आती है, जोड़ी भी बता देते हैं कि कितनी पसंद आती है। तो हिट लाइक बटन अगर आप जो है पसंद करते हैं हम दोनों को, और मेरी तरफ से भी हिट कर देना। हाँ, तो ये थी हमारा जो है रॉयल पराठा जंक्शन का एक चैप्टर फूड जर्नी में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों को, और एक नए टेस्ट के साथ और एक नए प्लेस के साथ। हाँ, एक नई जगह और नए टेस्ट के साथ आपको जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बी विद अस, हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमारी वीडियो सैटरडे शाम 5 बजे हमारी न्यू वीडियो रिलीज होती है। अच्छा, तो प्लीज़ डोंट मिस इट, भूलिएगा नहीं। और फ्रेंड्स, एक बात और कि हम सोच रहे हैं कि वेडनेसडे को भी रिलीज़ करें एक छोटी वीडियो और सैटरडे को फुल लेंथ वीडियो। तो अगर आपको जो है हमारा सजेशन पसंद आता है तो हिट लाइक बटन। और हम दोनों जो है ना अब जल्दी से जो है ना एक लाइव आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। एक्चुअली लाइव क्वीन है, लाइव आती रहती है बट किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो अभी लाइव जो है आने वाली है मेरे साथ,
फूडी राहुल के साथ फूडी निशा अपने फूड लवर राहुल चैनल पर। तो फ्रेंड्स लाइक बटन।